अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं जा रही हूँ घर और सुबह सुबह मुझे कोई राइड नहीं मिल रही थी इन ड्राइव पे, मर मर के एक राइड मिली है और अभी वो आ रहे हैं। सो मैं जो सामान शामान निकालती हूँ और फिर अगले क्लिप में मिलते हैं। सो फाइनली मुझे मिल गई है राइड और मैं जा रही हूँ आफ्टर 8 मंथ्स घर जाने का। जो एक आपको एक्साइटमेंट होती है ना, लाइक आई एम फीलिंग दिस एक्साइटमेंट। और फिर क्या मेरा सफ़र हर हर लम्हा गुजरने लगा इसी इंतज़ार में कि मैं कैसे जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं। और इस वक्त मैं गुजर रही थी मीनार पाकिस्तान के पास से लारी अड्डा की तरफ जाते हुए। बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है और फाइनली जितनी कोई मशक्क़तों और मुसीबतों के बाद मुझे बस में जगह मिली ना, वो मैं ही जानती हूँ। सो अब क्या कहते हैं कि जैसे ही बस में बैठी उसके बाद तो इतना रश था कि मैं कोई क्लिप ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर सकी। फिर उसके बाद ये हुआ कि इतने झटके लगते हैं वादिय सोन से केसर पहुंच के ना, आपको वहाँ की कुछ जो एरिया है उसमें सड़कें बहुत टूटी हुई हैं। फिर मुझे मेरे फादर और मेरे दोनों भाई रिसीव करने आए थे और सामान ज़्यादा था तो दोनों को बुलाना पड़ा। और फिर इसी तरह से हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद वहाँ पे मेरा बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया, बहनों ने और सब घर वालों ने बहुत अच्छे से मुझे वेलकम किया। एंड आई वाज फीलिंग वेरी वेरी गुड के ओ माय गॉड, शुक्र है मैं भी घर आ गई। फिर जी बीच में ईदें आ गई, ईद के बाद मुझे टिकट करवाने जाना था। सो मैं और मेरा भाई जो है वो नौशहरा जा रहे थे ताकि बस की टिकट रिज़र्व करवाई जा सके। इतना मसला होता है ना ईद के दिनों में ये इधर से आने जाने का। वहाँ पे भी जी हमें बड़ा जलील करवाया गया और फाइनली कहीं जी जा के टिकट मिल गई। फिर जी मैं और मेरी बहनें गए हुए थे अपने रिलेटिव्स के यहाँ, वहाँ जाके हमने कुछ वीडियोस बनाई, कुछ बहुत ही खूबसूरत से व्यूज़ लिए छतों पे जाके। और हमारे पड़ोसियों के घर में बहुत ही खूबसूरत से गुलाब लगे हुए थे, सो मैंने उनके साथ भी कुछ क्लिप्स लिए। ये मेरी बहन ने मेरा बचपन रिवाइंड कराने के लिए सारी चीज़ें मेरे लिए खरीदी हैं, लाइक टिकटॉक और इस तरह की चीज़ें। और ये जो मेरे भाई बहन भाई ये वाली तो खा खा के इन्होंने अंत मुका दी हुई थी। और लेस तो खैर सभी खाते हैं। और क्या चीज़ थी, और ये कैफे बिस्किट जब नया नया आया था ना, 10 रुपये का इसका पैकेट होता था, ओ माई गॉड। तो ये सब इतने हम पागलों की तरह लेके खाते थे, अक्सर ब्रेक में हम यही खा रहे होते थे। और ये भी ABC डाली है, वाह हाँ। और ये जो नोविका वेफर्स हैं, फिर इसके साथ साथ ये खट्टा मीठा दाल, ये 5 रुपए की ना इतनी बड़ी मिला करती थी और अब इतनी सी हो गई और इसके अंदर इतनी सी होती है। लाइक बड़ा टाइम गुजर गया है, चीज़ें जो है ना बड़ी चेंज हो गई हैं। और ऐसी चीज़ें हम बचपन में खाया करते थे। फिर मैंने अपने अब्बा के लिए सूट ख़रीदा और इनमें से मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सा ख़रीदूं, लेकिन फाइनली बहुत अच्छा वाला ख़रीद लिया था। इसके बाद यहाँ का मौसम इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि बस क्या कहें। आप मरी जाते हैं, नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, लेकिन जो खूबसूरती, जो ग्रीनरी, जो एक वेलकमिंगनेस सोन वैली में है ना, वो कहीं और नहीं है। अगर आपने अभी तक सोन से केसर को नहीं विज़िट किया तो मैं आप सबको कहूँगी आप ज़रूर 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 एक दफ़ा सोन वैली को विज़िट करें। आप हर जगह भूल जाएंगे, यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत मोहब्बत देने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं और यहाँ का वेदर, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। इसके बाद मेरे कुछ यहाँ पर लगे तमाशे जिनकी डिटेल आप सुनिए। अभी मैं चावल बना रही थी और चावल बनाते हुए मैं चुलाने में बैठी हुई थी, मुर्गे आए, मुर्गों की चीख से ज्यादा मेरी चीख ऊंची थी। और हिंसा की हालत देख लो, हिंसा का दिल इस वक्त इतना तेज धड़क रहा है, इतना तेज धड़क रहा है। हिंसा क्या फीलिंग्स है आपकी? बस फिलहाल कुछ कहने लायक है, और किसी चीज ने नहीं छोड़ा। और चीख बहुत अनइंटेंशनल थी, हिम्सा के साथ फ्रैंक हो गया। सिर्फ आम की बनानी है, ग्रेट। अपने वो तो मैंने लाना ही था, कोई लाए ना लाए। अल्लाह हाफिज, चले मेरे से भी मिलने, मेरे से मिलने। अल्लाह हाफिज, बस ठीक। ओ यार, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बस जा रही हूँ।
जी तो गुड बाय कहना घर वालों को हमेशा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी ऐसे है कि जहाँ आए हैं तो फिर जाना तो पड़ता ही। सो इस तरह मेरी रवानगी वापस हो गई लाहौर। आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।